वेलकम टू द दृश्य क्लासेस। हिंदी साहित्य की कक्षाओं में आपका स्वागत है। कल हमने देख लिया था इतिहास के अंदर, हम देख रहे थे पेपर वन के अंदर, अब हम पेपर टू के अंदर चलेंगे। अब हम देखेंगे जो हमने कल पढ़ा था, यानी कि जितनी भी कहानियों की हमने ओवरव्यू लिया था, उसके संभावित प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संभावित प्रश्नों के अंदर जैसे कि प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों पर विचार कीजिए। अब कोई सी भी कहानी के बारे में आपसे समीक्षा पूछी जा सकती है या फिर तत्व पूछे जा सकते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो कहानी जैसे आपसे पूछा जा सकता है, कफन है, सदगति है, ईदगाह है, पूछ की रात है, कि प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों पर विचार कीजिए। ये कोई सी भी आपको कहानी दे दी जाएगी, इसके ऊपर आप तीन स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, अलग योजना, दूध का दाम, इनके ऊपर भी सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि ये ऊपर वाले जो हैं इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, और 100 साल में एक बार कभी इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाए तो इतनी वो नहीं है। शेष कहानियाँ जो बच गई उसके अंदर एक स्टार लगा लीजिए। उसके बाद है, आपकी राय में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ संकलन की कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ और क्यों है? तो कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ है और वो क्यों है, इसका कारण हमें बताना है। इसके अंदर लगा लीजिए आप 4 स्टार, यानी कि 4 स्टार लगा लीजिए। उसके बाद है, प्रेमचंद की अपनी कहानियों के माध्यम से अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को गहराई से उठाया उन्होंने, विचार कीजिए। यानी कि सामाजिक यथार्थ की गहराई के बारे में बताना है आपको, उसकी प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को गहराई से छुआ है। तो आपको ये बताना है कि क्या मतलब उन्होंने बताने की कोशिश की है और अपनी रचनाओं के अंदर क्या बताया है, तो इसके अंदर 3 स्टार लगा लीजिए। उसके बाद में, आधुनिक विमर्श के आलोक में प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करें, तो ये भी हम विचार करेंगे। उसके बाद में 5वां, प्रेमचंद की कहानी कला पर संक्षिप्त निबंध लिखें। 6ठा है, प्रेमचंद की कहानियों में मनोवैज्ञानिक का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है, इस कथन पर विचार करते हुए बताएं कि प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का प्रयोग जैनेन्द्र और अलग मनोवैज्ञानिक कहानीकारों से अलग किया है। तो इसके अंदर बताएंगे हम कि किस तरीके से जो मनोविज्ञान का प्रयोग किया है प्रेमचंद ने, उसके बारे में हम समझाएंगे कि एक दुनिया समानांतर में किस तरीके का प्रयोग था और इसके अंदर किस तरीके का प्रयोग हुआ है। तो एक आंसर फ्रेम करके देखते हैं, पहले हम चलेंगे पेपर टू के अंदर। तो पेपर टू के प्रश्नों के जो प्रकार हैं, तो उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपसे संवेदना पूछी जा सकती है, तो संवेदना पर विचार कीजिए, या आपसे शिल्प पूछा जा सकता है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल इन्हीं के ऊपर ही बनेंगे। थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन बात एक ही होगी कि संवेदना और शिल्प के बारे में पूछा जाएगा। अगला है, संवेदना और शिल्प पर विचार कीजिए, बात एक ही है, दोनों को एक साथ पूछ लेगा। और ये एक अलग हो सकता है कि तत्वों के आधार पर आपसे समीक्षा करवा ले, तो बात एक ही है, जो कहानी के तत्व मैंने आपको बताए थे वो एज इट इज इसके अंदर काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे संवेदना या विचार, जैसे कि आपसे पूछ ले कि लास्ट के अंदर संवेदना दीजिए, संवेदना का मतलब होता है कॉन्टेंट, संवेदना, इसकी संवेदना बताइए, या आपसे पूछ ले इसकी विषय वस्तु बताइए, या फिर आपसे विषय वस्तु पूछ ले, बात एक ही है। प्रतिपाद्य पूछ ले, दे का असली अर्थ होता है, जो लास्ट में दे होता है उसका मतलब होता है करने योग्य, जैसे गे यानी ज्ञान योग्य, या फिर जो भी आप करने योग्य कोई चीज़ होगी उसके आगे ये लगा हुआ होगा, तो हिंदी साहित्य के अंदर ये का अर्थ होता है कि करने योग्य। कथे पूछ ले, या मूल स्वर पूछ ले, या फिर आपसे वर्ण विचार पूछ ले, भाव पूछ ले, या फिर विचारधारा पूछ ले, मर्म पूछ ले, अनुभूति पक्ष पूछ ले, ये सारी एक ही चीज़ें। जैसे कि आप मान लीजिए आपका स्कूल का नाम, घर का नाम, ये जो अलग अलग नाम है वो इनके सबके एक जैसे ही हैं, तो आपसे इन चीज़ों में से कुछ भी पूछे इसका मतलब यही है कि आपसे संवेदना पूछी जा रही है। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब संवेदना के अंदर हमें क्या क्या बताना है, क्या क्या रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें कवि की या जो लेखक है उसकी दर्शन और विचारधारा का प्रभाव उसके ऊपर कितना पड़ा उसके बारे में बताना है। जैसे प्रेमचंद की बात करें, तो प्रेमचंद के ऊपर शुरू में महात्मा गांधी का जो आदर्शवाद था वो थोड़ा ज़्यादा हावी था, उसके बाद में धीरे धीरे लेटर ऑन, जब 1925 के बाद जब उनकी एज मतलब जब उन्होंने लेखन कार्य करा 1925 के बाद में, तो उनके ऊपर थोड़ा मार्क्सवादी जो तेवर था वो थोड़ा
आ गया था। तो मार्क्सवादी आइडियोलॉजी से वो चलते थे। गांधी जी का इतना प्रभाव था उनके ऊपर कि जब गांधी जी एक बार उनके गांव पहुंचे और उन्होंने अपील करी कि सारे जो सरकारी कर्मचारी वो अपनी अपनी नौकरी छोड़ दे, तो प्रेमचंद जी ने जो सरकारी नौकरी में थे वो नौकरी त्याग दी थी। इतना ज्यादा जो है महात्मा गांधी जी का उनके ऊपर प्रभाव था। समस्याएं कहानी के अंदर या रचना के अंदर क्या उठाई गई है उसके बारे में बताएं। जो अब क्या होता है, कई कहानियों के अंदर सिर्फ एक ही समस्या बताई जाती है, थोड़ी हल्की कहानियों के अंदर एक ही समस्या उठाई जाती है और पूरी कहानी उसी के ऊपर इर्द गिर्द चलती है। लेकिन जो कई कहानियां ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर कई समस्याएं बताई जाती हैं, जैसे मान लीजिए एक पेड़ बना दिया जाता है उसके अंदर बहुत सारी समस्या होती है। एक मूल समस्या होती है जिसे अपन बोलते हैं केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या एक केंद्रीय समस्या होती है और छोटी छोटी जो होती है साइड समस्याएं होती है। तो आपको ये पहचानना है कि उसके अंदर केंद्रीय समस्या कौन सी है और शेष समस्या कौन सी है। जो केंद्रीय समस्या है उसके बारे में बताएंगे हम बिल्कुल डिटेल के अंदर कि यह इस रचना के अंदर ये केंद्रीय समस्या थी और इस समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया गया है। अगर लेखक लास्ट के अंदर उसका अगर हल दे देता है कि चाहे काल्पनिक ही हो लेकिन उसका एक हल दे देता है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, तो हम उसको लिखेंगे। और अगर नहीं लिखा जाता तो आप कह देंगे कि जो लेखक है वो यथार्थवादी है और किसी भी तरीके के मतलब काल्पनिक यथार्थ को मानने से मना करता है या काल्पनिक सॉल्यूशन नहीं देता है। लेखक द्वारा सुझाया गया समाधान जो है, अगर समाधान दिखा हो तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, यथार्थवादी बता देंगे। तुलना अगर आप जैसे अभी किसी भी चीज का अगर समीक्षा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर तत्वों के बारे में बताते हैं या समीक्षा करते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर तुलना भी इम्पोर्टेंट होती है कि आप उसके बीच में तुलनाएं कर सकते हो। जैसे लेखक की उसकी कहानी से किसी और कहानी से तुलना कर सकते हो। जैसे कि अगर आप जो है पूस की रात है, पूस की रात के अंदर आप गोदान से उसकी कल्पना कर उसकी तुलना कर सकते हो, गोदान के अंदर बता सकते हो। जिस तरीके से होरी को भी एक रात अपने खेतों के अंदर रुकना पड़ा था और जानवरों से खेत की सुरक्षा करनी पड़ी थी, उसी के अंदर पूस की रात में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। तो आप उनकी समस्याओं का या फिर उनसे किस तरीके से मेल रखते हैं, या फिर कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी लेखक की कहानी से रखें, जैसे कि आप दूसरे लेखक की कहानी से भी उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बूढ़ी काकी में से तुलना करनी पड़े तो आप चीफ की दावत से तुलना कर सकते हो। कल मैंने आपको बताया था एक दुनिया समानांतर के अंदर एक है चीफ की दावत, तो आप बूढ़ी काकी का चीफ की दावत से तुलना कर सकते हो कि कैसे जो माँ बाप पूरी जिंदगी भर अपना सब कुछ त्याग कर या सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को पालते हैं वो बुढ़ापे के अंदर अप्रेजेंटेबल हो जाते हैं। मतलब कि बिल्कुल भी आप उनको दिखा नहीं सकते समाज के सामने, आप छुपा के रखते हैं, किस तरीके से वो आपके लिए एक बोझ बन जाते हैं। इसकी कहानी आप उसके अंदर तुलना कर सकते हैं उस लेखक की किसी और लेखक से कहानी से, या फिर उस लेखक की कहानी तथा किसी उपन्यास से तुलना कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पूस की रात में गोदान का कर सकते हैं, या फिर किसी और उपन्यास, कोई जरूरी नहीं है हिंदी का ही हो, इंग्लिश का भी हो सकता है, संस्कृत का भी हो सकता है, या आपने कोई और उपन्यास पढ़ा हो इंग्लिश का तो उसकी भी आप तुलना उसे कर सकते हो। साहित्य की तुलना जैसे कि गैर साहित्य से भी कर सकते हैं, जैसे कि साहित्य में प्रेमचंद तथा भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी। जैसे कि जो कार्य साहित्य के अंदर प्रेमचंद कर रहे थे सेम वो कार्य राजनीति के अंदर महात्मा गांधी भी उस समय कर रहे थे। जो समस्याओं को उठाना है, समस्याओं के समाधान के रूप में खोजना है, जैसे कि आप ये देखोगे कि प्रेमचंद ने कई बार दलित विमर्श को उठाया है और उसके बारे में बताया है अपनी रचनाओं के अंदर, और महात्मा गांधी भी लेटर ऑन यही कार्य कर रहे थे अपने राजनीतिक करियर के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जो कार्य प्रेमचंद अपनी रचनाओं के द्वारा कर रहे थे सेम वो कार्य या समांतर पैरेलल के अंदर ही जो महात्मा गांधी भी राजनीति के अंदर अपना वही कार्य दोहरा रहे थे। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार से तुलनाएं कर सकते हैं। अपने निजी अनुभव को थोड़ा लिखने से बचें, जो किताबों के अंदर या किसी महान अनुभव के जो उदाहरण हैं उन्हीं को ही ज़्यादा कोट करें। ऐसा नहीं कि आप अपने उदाहरण मुंशी प्रेमचंद जी से साथ कर रहे हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी जो 1932 में करने की कोशिश कर रहे थे या 1936 में करने की कोशिश कर रहे थे वो आज मैं कर रहा हूँ। तो अपना मतलब अपने जो व्यक्तिगत थोड़े बहुत ऐसे हैं उनको थोड़ा सा बचें लिखने से, ताकि आपके आंसरों के अंदर थोड़ा वेटेज बढ़े। अब हम एक आंसर से मतलब करके देखते हैं फॉर्म। देखो कफन के बारे में जो नोट्स हैं प्रिंटेड नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर पूरे दिए हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसा कुछ लें जिसके अंदर आपके नोट्स थोड़े कमज़ोर हैं।
जैसा कि हम करके देखते हैं गिला के ऊपर। तो कहानी गिला की संवेदना पर विचार करके देखते हैं। अब कहानी को आप पूरी डिटेल में पढ़ें और पढ़ने के बाद में उसके अंदर मेन मेन कीवर्ड्स या क्या चीज़ें हैं जो आप समीक्षा के अंदर लिख सकते हैं उनको आप नोट करें। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप बता सकते हैं कि 1932 की ये कहानी है और इसके अंदर पति पत्नी का संबंध बताया गया है। तो इस तरीके से आप अपनी बात चालू कर सकते हैं। फिर आप उसके अंदर बता सकते हैं कि जो विवाह संबंध है वो स्त्री की निगाह से किस प्रकार होते हैं उसके बारे में बिल्कुल खुल के बताया गया है। उसके बाद में अमीर गरीब के बारे में भी इसके अंदर कटाक्ष करे गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। दहेज के समाधान के बारे में बताया गया है, एक जगह बताया गया है कि अगर महिलाएं या लड़कियां शिक्षित हो जाएंगी और अपने करियर के अंदर ऊंची बुलंदियों पर पहुंच जाएंगी तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरीके से इसका समाधान सुझाया गया है। तो इस तरीके से आप कई की पॉइंट्स जो हैं कहानी के अंदर से पढ़ के निकाल सकते हैं। जब आप की पॉइंट निकालेंगे तो आपको समीक्षा लिखने के अंदर थोड़ी आसानी हो जाएगी। कुछ जो उदाहरण चिन्ह है, मतलब कुछ जो ऐसे वाक्य हैं उनको उदाहरण चिन्हों के अंदर आप लिख सकते हैं ताकि आपके जो कथन है, जो आपके जो वर्ड है उनके अंदर थोड़ा वेटेज बढ़ जाए। इससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ भाई, इस बच्चे ने जो है टेस्ट को अच्छी तरह पढ़ा है या फिर हवा में समीक्षा नहीं कर रहा, कुछ पढ़ के और कुछ समझ के ही बता रहा है। जैसे कि चालू करते हैं, जैसे कि आप शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर ले सकते हो, गिला प्रेमचंद द्वारा 1932 में रची गई कहानी थी। अब 1932 में रची गई है तो इसका सीधा सा उदाहरण यह है, सीधा सा मतलब यह है कि लेटर ऑन जब 1925 के बाद में जब हम बात करते हैं तो 1925 के बाद में थोड़ा मार्क्सिस्ट जो है उनके ऊपर हावी हो गया था। तो आप ये बता सकते हैं कि जो गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मार्क्सिस्ट का थोड़ा उनके ऊपर प्रभाव था। तो ये किस रूप में रचना होगी, यानी मार्क्सिस्ट वे में होगी, आदर्शवाद तो नहीं होगी। तो आपके थोड़ा बहुत माइंड के अंदर ये क्लियरिटी आ जाएगी कि किस अगर किस सन में लिखी हुई है उसके हिसाब से आप उसकी तुलना या उसकी जो समीक्षा है वो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। जो कुछ अर्थों में हिंदी कहानी परंपरा का टर्निंग पॉइंट है, इस समय तक प्रेमचंद आदर्श की दुनिया को छोड़ने लगे थे और यथार्थ से आंखें मिलाने लग गए थे। गिला उस स्त्री का विमर्श का प्रस्थान बिंदु है जो आज के हिंदी साहित्य के प्रमुख धारा बन गई है। अब एक दुनिया समानांतर जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कई यथार्थवादी कहानियां आपको दिखने को मिलेंगी, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के अंदर जो हिंट छोड़े थे लास्ट के अंदर, उन्हीं हिंटों के द्वारा एक दुनिया समानांतर की कहानियां लिखी गई है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि उससे पहले इस तरह की कहानियों का चलन नहीं था, उसके बाद में इस तरह की कहानियों का चलन आया है। तो मुंशी प्रेमचंद ने एक तरीके से पिच तैयार कर दी थी इस तरह की कहानियों के लिए, जिसमें स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, इस तरह की जो कहानियां है जो समाज के सामने आ सके उसकी जो पिच है वो मुंशी प्रेमचंद ने तैयार करी थी। इसीलिए उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हिंदी साहित्य के अंदर, कहानियों के अंदर, उपन्यासों के अंदर, वो बहुत ज्यादा माना जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसा बदलाव ला दिया था जो बाकी संस्कृतियों में लाने में कई साल लग गए, यानी 100 साल लग गए या आप मान सकते हो 75 साल लग गए। उन्होंने एक झटके में उस परंपरा को बिल्कुल बदल दिया था। गिला कहानी की मूल संवेदना गृहस्थ जीवन के विश्लेषण से जुड़ी है, यानी जो गृहस्थ सेवन के अंदर क्या क्या चीजें जुड़ी होती है उसके बारे में प्रेमचंद ने अच्छी तरह उठाया। प्रेमचंद शुरुआत से ही परिवार व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं, मतलब वो जो मूल्य होते हैं समाज से जो हमें मिलते हैं वो संयुक्त परिवार के जो मूल्य थे उनके ऊपर थोड़े हावी थे, और उनकी ये वैचारिकता बड़े घर की बेटी तथा अलग योजना जैसी कहानियों में भी देखी जा सकती है। किंतु इन सभी विचारों के मूल में कहीं ना कहीं पुरुष का नजरिया केंद्र में रहा है। गिला इस अर्थ में क्रांतिकारी कहानी है। इसमें प्रेमचंद ने पहली बार स्त्री की निगाह से ग्रस्त जीवन की मूल्यांकन किया है। अब जैसे आप कई बार आप सोचते होंगे जैसे बड़ा परिवार है या जॉइंट फैमिली है, सारे पुरुष इसमें रहने के पक्षधर होते हैं क्योंकि इसमें जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन आप एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि एक छोटी बहू है, मान लीजिए किसी घर की बहुत छोटी बहू है, उसको अगर वो उस परिवार में जाती है तो पहले उसको चार चार तो सासें मिल जाएंगी, तीन मिनिमम तीन या चार तो उसको सास मिल जाएंगी, तीन या चार ससुर मिल जाएंगे, कम से कम 5-6 जेठ मिल जाएंगे। तो एक तरीके से उसकी जो जिंदगी हो जाएगी वो थोड़ी दबाव के अंदर हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से जो महिलाएं होती हैं वो जॉइंट फैमिली की पक्षधर नहीं होती है। ऐसा सारी होती हैं या सारी नहीं होती है ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो है जॉइंट फैमिली की पक्षधर नहीं होती है।
अब इस तरीके से जो अगर आप किसी पुरुष से पूछेंगे कि ज्वाइंट फैमिली अच्छी है या नहीं है, ज्वाइंट फैमिली कैसी रहेगी, तो ज्यादातर पुरुष ये कहेंगे कि ज्वाइंट फैमिली अच्छी है, क्योंकि उसमें जो है कुछ दायित्व जो होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन आप किसी महिला से पूछेंगे कि ज्वाइंट फैमिली अच्छी है बुरी है, तो उसकी राय ये रहेगी, बात वो क्या है क्या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन राय ये रहेगी कि न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उसके अंदर जिम्मेदारियां कम रहती हैं और थोड़ा पाबंदियां कम रहती है और हर तरीके से उसमें सुविधाएं रहती हैं। तो पहली बार उन्होंने, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने पहली बार एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से गृहस्थ जीवन को समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद में गिला कहानी का मुख्य जो प्रतिपाद्य है कि वैवाहिक जीवन तभी बेहतर चल सकता है जब पति और पत्नी एक दूसरे के गुणों और दोषों को सहजता से स्वीकार करें और सामंजस्य बैठाने के लिए अपने अहंकार का त्याग कर दें। अब जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आधुनिक समाज के अंदर, जैसे कि आज के समाज के अंदर, छोटी छोटी बातों के अंदर तलाक लिए ले लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जी अगर आपको जैसे बोलते हैं कि मेरी पत्नी को सफाई का शौक है और मुझे सफाई पसंद नहीं है, इतनी सी बात हुई, एक दिन बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और फिर उसके बाद में पता चला कि इनका तलाक हो गया। या छोटी छोटी बातें कि भाई वो पति जो है शाम को घर लेट आते हैं, या वो बहुत जल्दी आ जाती है, या उसको काम करना पसंद है, या उसको काम करना पसंद नहीं है, वो बाहर जाती है, या उसको शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इन छोटी छोटी बातों के अंदर जो है घर बिखरते हुए नजर आते हैं। तो पहली बार वैवाहिक जीवन के अंदर मुंशी प्रेमचंद ने समझाने का प्रयास किया है कि जो आपके स्पाउस यानी कि पति या पत्नी, अगर आप पत्नी हो तो पति और आप पति हो तो पत्नी की जो कमियां हैं उनको खुल के एक्सेप्ट करें कि क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मान लीजिए हमारी किसी लड़की से शादी हो गई या किसी लड़के की आपसे शादी हो गई, तो क्या होगा कि थोड़े दिन बाद में जैसे कि आपकी ऐसा कोई आपको आदमी मिल जाए जिससे आपकी शादी हो सकती थी, पहले आपकी बातचीत चली हो या आपकी बात हुई हो, तो अब मान लीजिए कंपेरिजन चल हो जाएगा। अब क्या होगा, थोड़े दिन में आपको उसकी अगर एक भी खूबी होगी तो वो आपको खूबी बार बार सामने आएगी। आपके स्पाउस के अंदर कुछ कमियां हैं या कुछ खूबियां हैं वो आपको दिखने बंद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके स्पाउस के अंदर 10 खूबियां हैं, वो आपको दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो मिल गया वो तो माटी है, जो ना मिला वो सोना है। और मान लीजिए आपके स्पाउस में 2 कमियां हैं या 2 खूबियां नहीं है और आपकी जिससे तुलना हो रही है उसी के अंदर वही 2 खूबियां हैं, तो आपको ये 10 खूबियां नहीं दिखेंगी, सिर्फ ये 2 खूबियां दिखेंगी। अब कई बार कई लोग क्रांतिकारी हो जाते हैं और घर जाके बोलते हैं, नहीं मम्मी अब तो तलाक ही लेना है, अब नहीं रहना इसके साथ। सॉरी, तो तलाक ले लेते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि वो दूसरा अभियान लेके इससे शादी कर लेते हैं, या कोई ऐसा होता है कि कई लोग अलग विकल्प चुन लेते हैं और फिर पता चलता है कि ये 2 खूबियों के अलावा उसमें जो ये 10 खूबियां थी वो इसमें है ही नहीं, इन 10 खूबियों का अभाव है। फिर बाद में इनको पता चलता है कि अरे ये तो हमसे गलती हो गई, वही अच्छा था, कम से कम ये तो था, कम से कम ये तो था। तो उसके अंदर कई बार बहुत ज़्यादा घर गृहस्थियाँ बिगड़ती हैं और जो है पारिवारिक संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो इसके अंदर मुंशी प्रेमचंद ने बताया कि जो स्पाउस है या फिर पति पत्नी है उनको अपनी एक दूसरे की अच्छाइयाँ और बुराइयों को दिल से समझना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी कमियाँ तो सब में होती हैं, कोई संपूर्ण तो होता नहीं है, तो उसको लड़ने से बढ़िया है या झगड़ने से बढ़िया है कि उन कमियों को एक्सेप्ट कर ले और उसके साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें। अगला है, इस कहानी की नायिका को अपने पति से हजारों शिकायतें हैं, जैसे कि वह घर के सदस्य हो या कि ध्यान नहीं देते, दूसरों के लिए अपने घर का सर्वनाश कर देते हैं, इससे दोस्त भी एक एक करके बुरे हैं आदि, किंतु मतलब एक 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 से बढ़कर एक बुरे व्यक्ति इनके दोस्त हैं। सारी कमियों के बावजूद वह महसूस करती है कि दोनों के बीच सामंजस्य इतना अच्छा है कि सबसे बेहतर विवाह संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती, मतलब इससे बेहतर विवाह संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कि मान लीजिए कोई 2 पुर्जे होते हैं और पुर्जों के अंदर जो है एक दूसरे के अंदर जो पुर्जे हैं इस तरीके से सेट होते हैं। अब क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक जब ये पुर्जे आपस में काम करते रहते हैं तो ये एक दूसरे के मतलब इतना ज़्यादा घर्षण हो चुका होता है इनके अंदर कि एक दूसरे के समान मतलब वो हो जाते हैं कि एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फिट होने लग जाते हैं। अगर किसी पुर्जे को नया पुर्जे में चेंज कर भी दिया जाए तो वो नया पुर्जा इतना ज़्यादा घर्षण करेगा कि पुराने पुर्जे की जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर भी यही बताया गया है कि उनके अंदर जो उसके पति हैं उनके अंदर लाख कमियाँ हैं, लाख कमी होने के बावजूद भी वो साथ रह रहे के इतने ज़्यादा सामंजस्य हो चुका है उनके अंदर कि अब वो एक दूसरे के लिए मतलब साथ में रह सकते हैं और एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं, इतना इस रचना के अंदर बताया गया है।
किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के को होने के बावजूद मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती। ये कहानी के अंदर कोट किया गया है। जैसे आप कोई कहानी की अगर लाइन आपको याद आ जाती है तो आप उसको उद्धरण चिन्हों के अंदर ऐसे कोट कर सकते हैं ताकि आपकी बात की प्रमाणिकता आ जाए कि आपने उस चीज को पढ़ा है और आप हवा हवा में बातें नहीं कर रहे, किताब में से उठाया गया ये। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई और विद्या और बुद्धि का पुतला भी दे दें तो मैं उनकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखूंगी। ये धर्म की बेड़ी नहीं है अपितु, मतलब इस रचना के अंदर ये बताया गया है कि अगर विधाता मुझे इनसे बढ़िया या इनसे अच्छा को बुद्धि का पुतला भी दे देगा तो मैं उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगी। ये कहानी के अंदर जो टेक्स्ट है वो एज इट इज उदाहरण चिन्हों के अंदर कोट करे गए ताकि प्रमाणिकता आ जाए, ताकि ऐसा लगे कि कुछ सारी जो बातें हैं वो हवा हवा में नहीं हो रही। बीच बीच में क्रॉस चिन्ह इसलिए लगा दिए गए हैं या आप भी लगा सकते हैं ताकि आपको पूरी बात जो है कोट करने की जरूरत ना पड़े। आप जो मेन मेन वाक्य हैं उनको कोट करके बीच में से उदाहरण मतलब ऐसे क्रॉस कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई बीच की लाइन जो है इम्पोर्टेंट ना थी, नहीं है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन है वो लिख दी गई है। हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी समस्याएं व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम ना दे सके। ये उस पूरी जो कविता है सॉरी जो कहानी है उसके उधर उसकी जो टेक्स्ट है उसको उदाहरण चिन्हों के अंदर ले लिया गया है ताकि आपकी जो बात है या हमारी जो आंसर है उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है प्रमाणिकता आ जाए। उसके बाद यद्यपि गीला कहानी का मुख्य कथ्य गाय स्थिति जीवन की बारीकी बताना ही है किंतु प्रेमचंद ने चलते चलते अपनी समझ में कुछ अन्य संकेत भी जोड़ दिए हैं। उदाहरण के लिए गीला की नायिका दहेज प्रथा के शुद्ध होकर उसके व्यवहारिक समाधान पर टिप्पणी करती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब उसके अंदर आप पढ़ोगे तो कहानी के अंदर ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो ये प्रथा भी खत्म हो जाएगी या ये विधा भी खत्म हो जाएगी, उससे पहले संभव नहीं है। मतलब इसमें बताने का प्रयास किया है कि जब तक महिलाएं पढ़ नहीं लेंगी या आजीविका कमाने के लायक नहीं हो जाएगी जब तक ऐसी प्रथाएं चलती रहेंगी। और जिस दिन महिलाओं की शिक्षा उच्च हो गई या फिर उनका जो जीवन निर्वाह है वो कमाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन हो जाएंगे उस वक्त ये जो चीजें हैं दहेज की ये खत्म हो जाएगी, उससे पहले ये नहीं होंगी। तो ये जो समाधान बताया गया है, ये जो कमी उठाई गई है ये चलते चलते उठाई गई है या फिर ये मूल कारण था, तो आप देखेंगे कि ये मतलब कहानी के बीच में चलते चलते बीच में आ गई है और उसका समाधान दे दिया गया है। तो ये मूल समस्या नहीं है इस कहानी की, ठीक है, ये गौण समस्या है जिसको हम साइड में मतलब इसके अंदर लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसी कहानी में बच्चों के परवरिश के प्रश्न पर भी बिंदु उठाए ये बिंदु उठाया गया है कि उन्हें शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए या नहीं। आजकल शारीरिक दंड को बुरा माना जाता है जिसका आरंभिक संकेत इस कहानी में छिपा हुआ है। नायिका सोचती है कि आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं, मतलब ये इसके अंदर बताया गया है कहानी के अंदर एक टेस्ट है उसके अंदर से ये लाइनें उठाई गई है। तो इस कहानी में ये भी बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश इतने कोमल तरीके से होनी चाहिए कि उनको दंड देने की आवश्यकता ना पड़े। गीला के लेखांकन तक आते आते प्रेमचंद समाजवादी मूल्यों से प्रभावित गहरे हो चुके थे, जो समाजवाद जो उनके मूल्य थे वो बहुत ज्यादा गहरे हो चुके थे। उन्होंने घोषित रूप से समाजवादी खुद को चार मतलब एक टेक्स्ट लिखा गया है खुद को चार के भी ना तो कहा हो, लेकिन उसके अंदर बताया गया है कि किंतु उनकी रचनाओं के केंद्र में अमीर और गरीब शोषण और शोषित का द्वंद्व झलकने लगा था। मतलब कि गरीब और अमीर की जो चीजें है वो इसके अंदर खुल के आने लग गई थी। जैसे कि एक टेक्स्ट अभी आगे आएगा जिसके अंदर बताया गया है कि अगर एक अमीर के पास एक मालगाड़ी भर कपड़े हों तो किसी गरीब को नंगे रहने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप पूस की रात में देखेंगे यही द्वंद आपको दिखेगा, कफन में देखेंगे यही द्वंद दिखेगा, और दूध का दाम के केंद्र में यही बात, और बहुत संक्षेप में गीला में भी थोड़े बहुत रूप में आपको दिख जाएगी। जैसे कि किताब के टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों की भरी हुई है तब फिर क्यों ना निर्धनों को नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। मतलब इसके अंदर बताया गया है कि जब तक संसाधनों का केंद्रीकरण होता रहेगा तब तक गरीबों को वंचना का शिकार होना ही पड़ेगा।
निष्कर्ष के तौर पर हम लिख सकते हैं, कुल मिलाकर गिला कहानी का प्रतिपाद्य यही है कि पुरुष और स्त्री का साचर्य बुद्धि, धन और सौंदर्य पर ही नहीं टिका होता, बल्कि सामंजस्य करने और धैर्य और विवेक पर आधारित होता है। आज के समय में जब विवाह व्यवस्था संक्रमण के गंभीर दौर से गुजर रही है, यह कहानी ग्रस्त जीवन की बारीकियों सिखाकर हमारी चेतना का विस्तार करती है। तो कहानी का असली पर्पस जो है कि वैवाहिक संबंधों के अंदर इतना लचीलापन ना आए, कुछ समझने की जो चीजें हो, तो आज के समय में भी इसकी व्यवहारिकता बनी हुई है। आज के समय में जो है बात बात के ऊपर तलाक हो जाते हैं, तो इस चीज के इस कहानी को पढ़ के ये समझा जा सकता है कि ये आज के रूप में भी व्यवहारिक लक्षण रखती है, मतलब व्यवहारिकता रखती है। इसके आगे हम देखते हैं, अगर इसमें से अगर आपसे कोई भी ऐसा समीक्षा पूछी जाए तो आप इस तरीके की कोई भी समीक्षा लिख सकते हो, आप अपने तरीके से या अपने मन से। बिल्कुल सिंपल सी है कि उदाहरण चिन्हों को पढ़ो, उसके अंदर क्या समस्याएं हैं या क्या चीजें जो कभी बताना चाह रहा है उसका दर्शन, और इस बारे के अंदर आप पूरा इसको डिटेल में लिख दोगे तो उसकी समीक्षा हो जाएगी। और हम एक दो प्रयास करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं। अब सबसे पहली बात है शिल्प। अब क्या होता है कि हर व्यक्ति उपन्यासकार है और हर व्यक्ति कहानीकार है। जैसे कि मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बताया गया है कि एक गोले में गोले होते हैं, जैसे कि आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि ये गोला होता है जिसके अंदर आपके राज है, जो सबसे छोटा गोला है उसके अंदर आपके राज संकीर्ण रूप से दबे हुए हैं। दूसरा गोला होता है जिसके अंदर आपके जो बेस्ट फ्रेंड होंगे, बेस्ट फ्रेंड, उनको वो राज की बातें पता होंगी, लेकिन जो इस गोले के अंदर है वो सिर्फ आपको पता है, वो बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता। उसके बाद में एक होता है परिवार, फैमिली, ये राज की बातें जो होंगी फैमिली तक को पता होंगी। और ये होता है समाज, इसके अंदर जो बातें होंगी वो सबको पता होंगी। समाज के अंदर मतलब खुली किताब है, इसके अंदर जो जो बातें होंगी वो सबको पता होंगी। लेकिन आप ये नहीं है और आप ये भी नहीं है, तो हर आदमी के कुछ ऐसा मसाला होता है कि अगर उससे अगर वो लिखना स्टार्ट करे तो एक अच्छी सी कहानी तो बनी सकती है। अब सब लोग तो कहानीकार नहीं होते, या सबका जो है उपन्यासकार नहीं होते, कुछ एक उपन्यासकार और कुछ एक कहानीकार होते हैं। उसका एक सिंपल सा फर्क है शिल्प का। अब कईयों की जो शिल्प है वो बहुत शानदार होती है, वो लिख पाते हैं। कई लोग होते हैं लिखने का प्रयास भी करते हैं, एक दो पेज लिखते हैं और फिर बाद में उस पेजों को फाड़ के फेंक देते हैं कि बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो बाकी वो क्या अच्छा लगेगा। तो उनके अंदर शिल्प की कमी होती है, कहने का तरीका या बताने का तरीका वो कमजोर होता है। एक छोटी सी कहानी देखते हैं। जैसे कि एक बार एक राजा था और एक उसके दरबार के अंदर एक ऋषि को बुलाया गया। राजा ने पूछा कि भाई तुम तो बहुत बड़े ऋषि हो, मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ लोबा कहते तो हैं। तो राजा ने कहा कि आप एक काम करो, मेरे बारे में कुछ ऐसा बताओ ताकि मैं सुन के एकदम चौंक जाऊं। और फिर राजा का वो उन्होंने हाथ देखा और उसके बाद में उन्होंने एक बात बताई कि भाई आप जो है अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे। इतनी बात सुनी और राजा तो फिर बौखला गया, बोले ये क्या बात हो गई। और उसने गुस्सा खा के उस आदमी को जो है ज्योतिषी को अंदर बंद कर दिया कालकोठरी के अंदर। अब जैसे उसके बेटे को ये बात पता चली कि मेरे पिताजी को कालकोठरी में बंद कर दिया, तो वो भी मतलब आ गया दरबार के अंदर और उसने बताया कि मैं भी ज्योतिषी हूँ और अगर मैं आपको कुछ अच्छा बताऊँ जैसे आपके फ्यूचर के बारे में तो आप बदले में क्या मेरे पिताजी को छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं छोड़ दूंगा, और तुमने उल्टी सीधी बात कही कुछ ऐसी तो फिर एक कालकोठरी और उसमें तुम्हारा भी इंतजाम हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने उस बच्चे ने मतलब ठीक ठाक ज्योतिषी था, उसने उसका हाथ देखा राजा का और बताया कि महाराज आपकी जो आयु है वो दीर्घ आयु है, मतलब आपकी बहुत लंबी आयु है। और राजा गदगद हो गया, और वाह कितनी बढ़िया बात कही है, और देखो तुम कितने अच्छे ज्योतिषी हो, तुम्हारे पापा देखो कितने मूर्ख आदमी है, मेरे को ऐसे बोल दिया कि मेरा परिवार मेरे सामने मरेगा। इतना खुश हुए कि उसने अपने पिताजी को छुड़वा लिया और घर आ गया। अब उसके बाद में उनके दरबार में किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज बात तो एक ही है दोनों, अगर आपकी आयु लंबी है दीर्घ आयु है इसका मतलब यही है कि सारे जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो आपके सामने एक बाई एक करके मरेंगे। और उस जो ऋषि था उसने भी ये बात कही थी। तो बस कहने का अंदाज होता है कि आप किस तरीके से किस बात को किस तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा पर्व आता है, आपने देखा होगा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, एक तरीके से बहुत बड़ा त्यौहार ही है। अब क्या होता है नायक नायिका को प्रपोज करता है, ये मान लीजिए कि आप जैसे आप हो या कोई भी है, कोई भी करता तो हो गई। तो कई बार क्या होता है हम उपमान देते हैं,
उपमान के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे कि कई बार बता देते होंगे, आप भी आपने भी करा होगा कि जैसे कई महिलाओं को जो प्रपोज करते हैं, कई लड़के जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल चांद जैसा है, और फिर उसके बाद में वो भी बोलती है बेटा तेरे पापा का चांद जैसा है, चल रवाना हो। मतलब उपमान जो है फीके पड़ गए। अब एक समय में किसी ने दिया होगा बहुत सालों पहले, तो अच्छी लगी होगी, अब उसने भी वो उपमान सुन लिया और आपने भी वो सुन के आप उसको बता रहे हो, तो एक तरीके से वो उपमान मेले हो गए या फिर आप उनका कर रहे हो। जैसे आपने एक लक्ष्य फिल्म देखी होगी, उसके अंदर जो नायिका है वो गाना गाती है, उसके अंदर वो बताती है कि कुछ अलग अदा से कहते हैं, कुछ घुमा फिरा के कहते हैं तो अच्छा होता। अब नए नए उपमान कहाँ से लेके आए जाए, तो जो साहित्य होते हैं उसके अंदर इसी तरीके के उपमानों की भरमार होती है। अब उपमानों को पढ़ना, उपमानों को समझना, ये सबसे मेन चीजें होती हैं। अब मान लीजिए कोई एक ये चांद वाला उपमान पुराना हो गया, तो कोई जाके अपने जो गर्लफ्रेंड है उसको कहेगा कि जी देखो मेरे दो बच्चे होंगे और एक का नाम मैं चिंटू रखूंगा, एक का नाम पिंटू रखूंगा। अब वो बोलेंगे मुझे क्यों बता रहे हो, फिर वो बोलेंगे कि वो बहुत सुंदर होंगे और वो बहुत अच्छे एजुकेशन भी मैं उनको दूंगा। अब तो फिर वो बोलेंगे अरे भाई मुझे क्यों बता रहे हो, फिर लास्ट में आपको बोलना है कि भाई जो है मैं चाहता हूँ कि उन दोनों बच्चों की जो माँ है वो आप बनो। तो इस तरीके से आप प्रपोज का एक अलग तरीका हो गया। अब मान लीजिए किसी ने ये तरीका सुन लिया, वो कर रहा है, और जिसने जिसको कर रहा है वो भी सुन के आई है, तो फिर वो क्या बोले कि भाई दूसरे लेके आओ, एक एक बात को कब तक आप रिपीट करते रहोगे। तो ये जो उपमान है या जो शिल्प है, ये शिल्प भी इस तरीके से होता है। मतलब बात कहने के तरीके को हम शिल्प कहते हैं। तो शिल्प का सीधा सा मतलब है कि क्या कहा है यानी कि संवेदना, और कैसे कहा है यानी शिल्प। कहने का एक तरीका होता है, अदा होती है जिसे कहने कहने की अदा, कि कई एक बात को इस तरीके से कहते हैं कि बस लोग बाग ऐसे गदगद हो जाते हैं, अरे क्या कहा है, अरे ऐसे पागल हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि प्रपोज भी करने जा रहे हैं अपनी प्रिय का, और इस तरीके से कह रहे हैं मैं 28 साल का हो गया हूँ, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेंगी या क्या मुझसे शादी करना पसंद करेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई जीएस का आंसर सुना रहा है आके, पर भाई बहुत रट के आया और आते ही एकदम से मास्टर के सामने जीएस का आंसर सुना रहा है, तो वो बात नहीं आएगी। तो कहने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं हम शिल्प। अब शिल्प भी जो शिल्पों में भी शिल्पों के अंदर भी 3 भाग होते हैं, जैसे कि समझते हैं शिल्प होते हैं। तो देशज शब्द होते हैं, लोकल शब्द जिसे अपन बोलते हैं, एक होता है विदेशज शब्द। तो शिल्प के अंदर आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल लिया है वो मेन चीज है। जैसे कि आप राजस्थान के अंदर जाओगे तो आपको कोई व्यक्ति मिल जाएगा, तो जैसे अगर राजपूत है, आप हिंदू हैं या फिर आप इस बेल्ट से हैं, तो आप के मुंह से निकल जाएगा ओ बना काय कर रहे हो। तो वो बना जो है उसका नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसा शब्द है बना। बना के अंदर एक पावर है, एक जो है एक अलग सा रुतबा है। तो बना शब्द जो है, आप बिहार के अंदर जाओगे जैसे सिगरेट लेने जाओगे तो आप बोलोगे 2 ठो सिगरेट दो। अब भाई 2 सिगरेट हो गई, 2 ठो क्या होता है, 2 ठो सिगरेट चाहिए, 8 ठो बात पता नहीं है। तो जो लास्ट में ठो है वो उसका देशज शब्द है। जैसे आप पंजाब के अंदर जाओगे, आपको अगर कोई लस्सी के लिए ऑफर करेगा तो आपको ऐसा नहीं बोलेगा लस्सी पिलाएंगे, ओ जी कोई पिलाओ ना लस्सी वस्सी। तो जो वस्सी है वो एक देशज शब्द है जो उसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से कई देशज शब्द होते हैं, कई विशेष विदेशज शब्द होते हैं। जैसे कि आप रिक्शे में घूमते हो, रिक्शा आपने खूब देखा होगा, रिक्शे में घूमते हो, जो रिक्शा शब्द है वो रिक्शा शब्द जापान का शब्द है, यहाँ का शब्द नहीं है। तो कई विदेशी शब्द इस तरीके से हमारी संस्कृति में घुल जाते हैं कि हमें अटपटे नहीं लगते, लेकिन वो होते विदेशी शब्द हैं। तो शिल्प का मेन जो है ये आप बता सकते हो कि इस जो कहानी है या कविता है या उपन्यास है या कुछ भी है, उसके अंदर विदेशी शब्दों का ज्यादा उपयोग लिया गया है या देशी शब्दों का ज्यादा उपयोग लिया गया है। उसके बाद में शिल्प के अंदर भाषा शैली भी हो सकती है, कि कौन सी भाषा शैली है, भाषा कौन सी है, शैली कैसी है, या सूत्र भाषा है या समाज भाषा है। सूत्र भाषा और समास भाषा एक ही बात है। सूत्र भाषा का मतलब ये होता है कि कोई एक बात जो बिल्कुल 4 पेजों के अंदर बताई जा सकती है और आपको कोई 2 लाइनों के अंदर समझा जाए वो भाषा, तो वो होती है सूत्र भाषा। मतलब कि कोई बहुत लंबा जो सवाल है हम करते हैं और उसको करने में 4 पेज लग जाते हैं, लेकिन लास्ट में हमारे पास एक जो कंक्लूजन निकलता है कि एक सूत्र हमें डिराइव करके मिल जाता है, बस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और वो आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से एक होती है सूत्र भाषा, मतलब सटीक शब्दों का इस्तेमाल और एक शब्द के अंदर ही कई अर्थ जो सिमटे में हो उसे बोलते हैं सूत्र भाषा, यानी संक्षिप्त में कहना। बिल्कुल आपने एक वर्ड के अंदर ही ऐसा ऐसी बात कह दी कि एक शब्द मतलब एक लाइन के अंदर ही आपने ऐसी बात कह दी कि जिसको समझाने के अंदर आपको एक पूरा पेज लग जाता,
उसे बोलते हैं हम सूत्र भाषा। इसकी विपरीत एक भाषा होती है जिसे हम बोलते हैं व्याप्त भाषा। व्यक्त भाषा के अंदर या व्याप्त भाषा के अंदर संक्षिप्त में लिखा जाता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जो है व्याप्त भाषा के अंदर लिखते हैं, मतलब कि छोटी छोटी बातों को बिल्कुल समझा समझा के बिल्कुल डिटेल के अंदर उस चीजों को चलते हुए चलते हैं, तो उसे बोलते हैं व्याप्त भाषा। सूत्र भाषा जो है बिल्कुल सटीक शब्दों के अंदर, मतलब एक वाक्य बोला और उसके अंदर बस सारी चीजें समझ में आ जाए, उसे बोलते हैं सूत्र भाषा। उसके बाद में होता है शिल्प के अंदर ही एक होता है कथानक योजना। अब इहरे कथानक या जटिल कथानक, जैसे कि अब मान लीजिए कई रचना इस तरीके से होती है सीधी लाइन की तरह, शुरू में स्टार्ट हुई और लास्ट के अंदर खत्म हो गई, उसके अंदर एक ही पात्र है और एक ही मतलब कहानी है, इस तरीके से चल रही है। अब कई बार होता है जटिल कथानक, मतलब कहानी चल रही है, कोई पात्र यहाँ से आ गया, कोई यहाँ से आ गया, कोई यहाँ से आ गया, कोई यहाँ से निकल गया, कोई यहाँ से निकल गया, पैरेलल में कहानी चल रही है, उसे बोलते हैं जटिल कथानक। कई बार जो है ये जो जटिल कथानक होता है ये कई लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन जो ऊंचे लेवल के जो कवि होते हैं वो थोड़ा जो कहानियों के अंदर जैसे उपन्यास है उसमें एक से बढ़ एक से अलग कहानियाँ बैकग्राउंड के अंदर चलती रहती है, अलग अलग पात्र जो है आते रहते हैं जाते रहते हैं, इस तरीके से चलता है। तो हेरा कथानक है जटिल कथानक है, सीधा वक्र है या फिर जिस वक्र में द्वंद्व ज्यादा हो, जैसे सीधा सीधा है कथानक जो है बिल्कुल सीधा है या फिर थोड़ा घुमा हुआ है, जो वक्र होता है वक्र जो है बिल्कुल सीधा है या फिर उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई फिल्म देख रहे हो इस तरीके से वक्र है कि हीरो विलन से लड़ रहा है और थोड़ी देर बाद के अंदर जो है हीरो मतलब विलन भारी है और एकदम से विलन से गोली चल गई और हीरो बेहोश पड़ा है। अब आप सोच रहे हो कि उठेगा नहीं उठेगा, विलन मरेगा नहीं मरेगा, इतने में हीरो की आंखें खुल जाती है और वो उठ खड़ा होता है और फिर वो विलन को मारना स्टार्ट करता है, मारते मारते उसके हाथ में बंदूक आ जाती है और वो विलन को मारने वाला होता है, आप खुश हो जाते हो और अब तो विलन मरने वाला है और उस बंदूक के अंदर गोली आगे चलने की जगह पीछे चल जाती है और फिर हीरो को दूसरी गोली लग जाती है, फिर हीरो पड़ जाता है और फिर आप इंतजार कर रहे हो कि भाई हीरो उठेगा, हीरो के ऊपर पानी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हीरो उठ ही नहीं रहा और इस तरीके से चल रहा है। और फिर अचानक से हीरो का कोई दोस्त आता है और वो विलन को पटक देता है और फिर हीरो को उठाने का प्रयास करता है, हीरो को धीरे धीरे होश आ रहा है। मतलब ये जो वक्र है ट्विस्ट एंड टर्न्स जो चल रहे हैं इसे बोलते हैं वक्र, यानी द्वंद्व जो है पाठक के मन में चलता रहे कि भाई ये होगा या नहीं होगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके से जो होते हैं द्वंद्व चलते रहते हैं। तो वक्र जितना सिंपल है या सीधा है या फिर उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं इसका भी का जो है शिल्प के ऊपर डिपेंड करता है शिल्प। तीसरा होता है चरित्र योजना। अब शिल्प के अंदर सबसे मेन चीज है कि चरित्र जो है स्वतंत्र है या परतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि जो स्वभाव कहानी के अंदर या चित्रों के अंदर दिखाया गया उस कंडीशन आने के ऊपर वो वैसा ही स्वभाव करते हैं या फिर कुछ अलग कर देते हैं। जैसे कि एकता कपूर के सीरियल के अंदर आपने देखा होगा कि अचानक मीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन कोई एकदम प्यार की बात कह देता है तो वो बिल्कुल मोम हो जाता है, जबकि उसको गुस्सा आना चाहिए, इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई लेकिन वो मोम हो जाता है। और कभी कभी एक छोटे से मतलब कोई चीज़ गिर गई और उसके ऊपर इतना गुस्सा कर रहा है कि भाई पागल हो गया है, पत्थर फेंक रहा है, ऐसा कर रहा है। मतलब जो कैरेक्टर है वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, जो डायरेक्टर कहेगा वैसा वैसा करेंगे, उसे बोलते हैं परतंत्र कैरेक्टर। स्वाभाविक कैरेक्टर जैसा कि मान लीजिए किसी का स्वभाव है कि कोई गुस्सेल स्वभाव का है तो आप हमेशा वो गुस्सा करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर वो बिल्कुल ही नरमाई से बात करेगा और किसी विशेष परिस्थितियों में गुस्सा करेगा। गुस्सेल आदमी हमेशा गुस्सा करेगा, हंसमुख आदमी हमेशा हंसता रहेगा, इस तरीके से उसका कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो आगे जो उसके सामने परिस्थिति आ जाएगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो चरित्र स्वतंत्र है या परतंत्र है ये भी शिल्प का इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी थी कि गति जो है ठीक ठाक है, विराम है या नहीं है, गति ज़्यादा तेज तो नहीं है कि पाठक समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या चल रहा है, या गति इतनी धीरे भी नहीं है कि पाठक ये भी नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। अब मतलब बीच बीच के अंदर मोबाइल उठा लिया, दो दिन फ़ोन पर बात कर ली, फिर दो तीन पेज पढ़ लिए, फिर फ़ोन पर बात कर ली या कहीं घूम आए, इस तरीके से विराम भी नहीं होना चाहिए। कसा हुआ होना चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, मतलब ऐसा कहानी एकदम बिखर गई हो, समझ में नहीं आ रही हो और बिल्कुल कसा हुआ उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि पाठक एकदम बंधा हुआ उसको पढ़े। फॉर्मेट जो है इस तरीके से होता है, हमारे जो पुराने जो काव्य थे या जो हमारी कहानियाँ हैं उपन्यास है उसके अंदर आदि यानी कि शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, मध्य आता है और उसके बाद में अंत हो जाता है। अब जो मूल पाठक है जो आम आदमी जैसा होता है तो उसको एक कहानी चाहिए, कहानी के अंदर शुरू में प्लॉट हो, प्लॉट के अंदर बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है,
फिर मध्य के अंदर उसको परेशानी बताई जाए कि ये परेशानियाँ हैं, ये इसको इस तरीके से करना है, और लास्ट के अंदर सुखद अंत हो जाए, ये चीज़ चाहिए। अब जैसे आपने कफन पढ़ी हो, कफन के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो मन में गुदगुदाहट सी रहेगी कि यार दोनों घर पहुँचे नहीं पहुँचे, जलाया नहीं जलाया, कम्बख्त ने करा क्या, दारू पी लिए, पड़ गए कहाँ पड़ गए, कैसे अब क्या होगा आगे, तो मतलब एक बीच में आपको बीच में छोड़ दिया सस्पेंस के अंदर। तो जो आम पाठक होता है वो इस चीज़ को पचा नहीं पाता। आजकल की जो कहानियाँ है वो ज़्यादातर इस मोड़ पे आके छोड़ देते हैं। आप चाहे वेब सीरीज़ देख लो, चाहे फिल्में देख लो, या कोई उपन्यास देख लो, आपको ऐसे ट्विस्ट मतलब ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न पे छोड़ दिया जाएगा कि आप उसके आगे का जो अनुमान है आप खुद लगा लें कि भाई हमारी कहानी यहीं तक की थी, इसके आगे क्या होगा वो अनुमान आप खुद ही लगाते रहें। तो इसे बोलते हैं नया प्रयोग, जो कहानी को बीच में छोड़ दें उसे बोलते हैं नया प्रयोग। तो इस तरीके के प्रयोग जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने चल्लो करे थे, और बाद में आपको एक दुनिया सॉरी जो समांतर में आपको ये प्रयोग एक दुनिया समांतर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रयोग मिलेंगे जो कहानी को किसी भी मोड़ पे नहीं छोड़ेंगे, एक बीच में छोड़ देंगे, उसके अंदर ट्विंस एंड टर्न ला के आपको लास्ट के अंदर बीच में छोड़ देंगे ताकि आप उसका अंत अपने हिसाब से सोच सको। तो यहाँ तक की हमारी क्लास थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कल हम पढ़ेंगे जो एक और प्रश्न का प्रयास करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।